आइकोनिक वीक के तहत 16 अप्रैल को पहला तकनीकी सत्र स्वच्छ एवं हरित गांव की अवधारणा पर केंद्रित रहा। इस सत्र में प्रस्तुतीकरण के साथ ही बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों की श्रेष्ठ प्रथाओं को लघु फिल्मों के माध्यम से बताया भी गया। इस सत्र में राज्य मंत्री पंचायती राज श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल भी उपस्थित रहे। श्रीमती विनी महाजन, सचिव पेयजल एवं स्वच्छता। लेकिन ये तो हमारे सबकी जिंदगी का एक हिस्सा है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे जो आसपास का, चाहे हमारा घर है चाहे आसपास है, वो साफ हो और वो हरा भरा हो। श्री कपिल चौधरी, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन। एंड नाउ टू इस मोमेंटम को आगे ले जाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन फेज टू वॉज स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 2020 एंड इट विल बी कैरिड आउट टिल 2024-25। श्री श्रीनिवास राव, मुख्य योजना अधिकारी कर्नाटक। As you know, waste management is actually very difficult task to the Gram Panchayat. We can construct road, we can construct a school, we can have water supply facility. If water supply is not available, we will provide water to tank. Shri Debojit Palit, Professor, NTPC School of Business. मैं हर घर पे सबको ऊर्जा मिले उसी के ऊपर इसकी सतत लक्ष्य है। अब देख सकते हो इंडिया में हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन 1981 में बहुत ही कम था, जो सबसे ऊपर वाला स्लाइड है, और जब आज जो है पूरे भारतवर्ष में सारे गांव में और सबके घर में, लगभग सबके घर में बिजली की कनेक्शन हो गया है। श्री अतुल बगाई, हेड कंट्री ऑफिस UNEP इंडिया। 3-4 फिल्में देखी, उससे बड़ा स्पष्ट हो गया है कि जो चर्चाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही हैं उनका क्रियान्वयन लोकल लेवल पर बहुत ही प्रभावी ढंग से हो रहा है। स्पितु ग्राम पंचायत लद्दाख की प्रस्तुति। अगर मैं ग्रे वाटर मैनेजमेंट की बात करती हूं तो मैं बताना चाहूंगी मैम सर्स कि लद्दाख में जो घर है, हाउस है, वो आइसोलेटेड डिस्पर्सली लोकेट होते हैं। मावालियोंग ग्राम पंचायत मेघालय की प्रस्तुति। Our village live in life of happy, live in life of joy because healthy, clean is through the cleanliness of the village, through the clean village, we feel that we are very happy that we are all the people are healthy in the village.